सोचा नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और गम भी छुपाने होंगे। जिंदगी में कभी कभी वो हो जाता है जिसका हमें हमेशा से डर रहता है। हम जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं वो हमको छोड़कर चला जाता है, हमारा दिल तोड़ जाता है। तब हम यही सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ सामने वाले की हकीकत पता चल गई कि वो हमसे केवल टाइम पास कर रहा था और हम उसके लिए इतना ज्यादा सोचते थे। खैर अब मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं खुद बदल जाऊंगा, मैं किसी को गिराऊंगा नहीं बल्कि खुद ही संभल जाऊंगा। देखो ब्रेकअप से मूव ऑन करने का मतलब दूसरी जगह मुंह मारना नहीं होता बल्कि अपनी की गई गलतियों से सबक लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। क्योंकि जो इंसान आपको छोड़कर गया होता है वो कभी ना कभी वापस लौटकर आपके पास जरूर आता है, उसे ऊपर वाला आपके पास भेजता है ये दिखाने के लिए कि क्या आप अभी भी उसके प्यार में उसकी याद में बर्बाद हो रहे हो या जिंदगी में बहुत आगे निकल चुके हो। सोचो कैसा लगेगा उस इंसान को जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपको धोखा दिया, जब उसे ये मालूम चलेगा कि आपको छोड़कर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसे मालूम चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल कर चुके हो जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब उसे पता चलेगा कि आपके पास उससे भी ज्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर है। देखो जब भी कोई इंसान धोखा देता है ना, या आपको रिजेक्ट करता है या फिर आपके साथ ब्रेकअप करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके प्यार के काबिल नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप ही इस लायक ना हो कि कोई आपको प्यार करे। हो सकता है आप इस काबिल ना हो कि कोई आपको अपना जीवन साथी बनाए। हमेशा दूसरे की गलती देखना सही नहीं होता, कभी कभी खुद के गिरेवान में भी झांक लेना चाहिए। हो सकता है सामने वाला गलती कर रहा हो लेकिन अब उसकी गलतियां गिनाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपने किसी पर आंखें बंद करके भरोसा किया तो इसमें गलती आपकी थी। अब समय है इस गलती को सुधारने का, सामने वाले को इस बात का एहसास करा देने का कि आपको छोड़कर उसने गलती की है, और ये तभी संभव होगा जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे। वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा, रोना मत किसी के छोड़कर जाने से, वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। देखो किसी के पीछे भागने से, किसी को कोसने से अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, खुद को मत कोसो। जिसकी जैसी फितरत है वो वैसा ही काम करेगा। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो वो उसका निर्णय था, उसकी जिंदगी थी। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो किसी और की खातिर? तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते प्यार करने के लिए। तो अगर सामने वाले का सच सामने आ गया तो ये खुशी की बात है, कम से कम तुम अंधेरे में नहीं हो, कम से कम अब तुम्हें कोई धोखा तो नहीं दे रहा। हमेशा स्वामी विवेकानंद की इस बात को याद रखना, जो भी तुम्हें कमजोर बनाता है शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कोई इंसान। तो खुद को मजबूत बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें धोखा देने से पहले, तुम्हें रिजेक्ट करने से पहले 100 बार सोचें। और आगे से अपने जिंदगी में ऐसे लोगों को लेकर ही मत आना जिनकी नीयत में खोट हो। तो हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।